भारतीय जनता पार्टी को दिसंबर में नया अध्यक्ष मिल सकता है। भाजपा विधानसभा के मुताबिक आधे राज्यों के चुनाव होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। ऐसे में पार्टी के लिए 50% राज्यों के चुनाव कराने के बाद नए अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता खुल जाएगा। पार्टी के संगठन चुनाव समीक्षा में सभी राज्यों से कहा गया है कि वो दिसंबर के पहले सप्ताह तक राज्य स्तरीय चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लें। ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आते ही पार्टी संगठन चुनावों की प्रक्रिया तेज करेगी, ताकि नया संगठन दिसंबर के पहले पखवाड़े के अंत तक काम संभाल ले। सूत्रों के अनुसार भाजपा के केंद्रीय सत्ता में होने से संगठन के विस्तार पर जोर है। गौर करने वाली बात है कि सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए भाजपा में विभिन्न पहलुओं के साथ दक्षिण भारत से नया नेतृत्व लाने पर भी विमर्श हो रहा है। इसके अलावा सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए सवर्ण समुदाय को पार्टी एक बार फिर से सामने ला सकती है। संभावना है कि दक्षिण भारत से किसी नेता को नेतृत्व सौंपा जाए। इसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी सत्ता के दौरान दक्षिण भारत से बंगारू लक्ष्मण, जना कृष्णमूर्ति और वेंकैया नायडू लगातार 3 अध्यक्ष बने थे। संघ के सूत्रों का कहना है कि भाजपा के लिए इस समय दक्षिण भारत में विस्तार के लिए वहां के नेता को आगे लाना ज्यादा उचित होगा। इसके अलावा सामाजिक संतुलन बनाए रखने व अपने काडर तथा कोर समर्थकों को जोड़े रखने के लिए सवर्ण समुदाय से ही नया अध्यक्ष लाना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि भाजपा के अध्यक्ष के लिए मनोहर लाल खट्टर, देवेंद्र फडणवीस, धर्मेंद्र प्रधान, जी किशन रेड्डी, शिवराज सिंह चौहान एवं नरेंद्र सिंह तोमर आदि के नाम पर भी चर्चा हो रही है। बता दें कि जेपी नड्डा का कार्यकाल इसी साल जनवरी में खत्म हो चुका है। लोकसभा चुनाव के लिए जून तक उनके कार्यकाल में विस्तार दिया गया था। जुलाई में पार्टी को नया अध्यक्ष चुनना था, लेकिन नए अध्यक्ष के चुनाव से पहले संगठनात्मक चुनाव की जरूरत होती है। इसमें 6 महीने का समय लगता है, इसलिए जून में नड्डा का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ाया गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।